हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग गाइस, वी होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो ये वीडियो है वो बहुत लोग पूछ रहे थे कि नेक्स्ट क्रूज और जैज क्रूज का दोनों कंपैरिजन करो, कौन सा बेटर है, क्या प्राइस है और क्या क्या फीचर्स है इसमें। सो फर्स्टली बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, जो ये कंपैरिजन है वो नेक्स्ट क्रूज के बेसिक फर्स्ट एडिशन के साथ में होगा क्योंकि हमारे पास वही है। नेक्स्ट क्रूज जो नया वाला आया है मार्केट में, इट इज फार मोर सुपीरियर देन व्हाट इट वाज अर्लियर। लास्ट ईयर जो हमको मिला था उससे अभी के इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो नेचुरली हम एक ट्रिप बना रहे हैं जिसमें आकाश जी को मिलेंगे, तो वो वाले अभी आपको क्रूज कंट्रोल हम आप बता ही देंगे, बट इट मेक्स मोर सेंस टू कंपेयर दीज टू क्योंकि दैट वॉज अ बेसिक वर्जन ऑफ नेक्स्ट क्रूज and this is also a very basic version of Zaz cruise control. So starting first thing, this is more of a preference. Next cruise is wireless controlled, uska remote jo hai wirelessly hai, wo aap yahan pe aapke center console mein ya to steering mein fit karne ka option wo log de dete hain, aapke hisab se aap laga sakte ho. Whereas this is a physical control and button is directly the controller is directly connected to the cruise control via wire. तो इट्स नेचुरली योर प्रेफरेंस, आपको वायरलेस वाला अच्छा लगता है विद मल्टीपल प्लेसमेंट, तो वो आप नेक्स्ट क्रूज इज बेटर ऑप्शन फॉर यू। फिजिकल है जिसमें एक चीज प्लस पॉइंट आ जाता है कि बैटरीज रिप्लेस करना और ये सब चीजों का आपको टेंशन नहीं होता। फिजिकल में बेसिकली ये एक प्लस पॉइंट है कि आपका कनेक्टिविटी लूज नहीं होगा। हाँ, मतलब बैटरी लो है तो कनेक्शन नहीं हो रहा है, एक बार हमारे साथ हो चुका है। हाँ, कनेक्टिविटी बेसिकली ऐसा है कि अगर आपका बैटरी लो हो गया कुछ भी हो गया तो हो सकता है कि आपका वो क्रूज कंट्रोल ऑफ हो जाए। तो ठीक है, मतलब इट्स नॉट अ बिग हैसल, बैटरी सिर्फ आपको चेंज करना पड़ता है, नो बिग वॉल्यूम व्हाट यू से डिफरेंस, बट देन एज आई सेड इट्स अ प्रेफरेंस। आपको वायरलेस कंट्रोल चाहिए विद अ प्लेसमेंट दैट इज किधर भी आप दो तीन जगह पे लगाने का ऑप्शन आपके पास है, एंड फिजिकल कंट्रोल, बट द प्लेसमेंट ऑफ दिस फिजिकल कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग जो उन्होंने सोच के बनाया है। दिस इज वन फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। सो सेकेंड चीज पे आते हैं, डिजाइन। डिजाइन दोनों का अच्छा है। नेक्स्ट क्रूज थोड़ा सा बड़ा है और जैज क्रूज जो है वो छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो दोनों का प्लेसमेंट अलग है। जो जैज क्रूज है हमने आपको थर्सडे के वीडियो में ऑलरेडी दिखाया था कि वो अंदर फिट हो जाता है, ज्यादा स्पेस लेता नहीं है। सो नया वाला जो क्रूज कंट्रोल है वो हमको ज्यादा उसके बारे में आइडिया नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया, हमने फर्स्ट वाला वर्जन टेस्ट किया है, तो नया वाला वेरिएंट जो है वो कहाँ पे लगता है वो हमको पता नहीं। जो पुराना वाला वेरिएंट है वो उसका डब्बा थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो हमको वो ऊपर ऐसे बांध के लगाना पड़ता था, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या लेना चाहते हो, और दोनों का डिजाइन तो है ही अच्छा, और प्लस ये जो जैज क्रूज कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा क्लीन दिखता है और ये सब में भी, और इवन जो नेक्स्ट क्रूज है उसके भी वायर्स आपको किधर भी दिखते नहीं है। आपको नेक्स्ट क्रूज का जो नया वाला है उसका हमारे पास फोटो है, वो आपको दिखा देंगे ताकि कंपैरिजन के लिए आपके लिए इजी हो। राइट, तो उसका बॉक्स पैक का एक फोटो हमारे पास आया हुआ है तो वो हम आपको दिखा देंगे। राइट, नाउ कमिंग टू द ऑपरेशंस पार्ट ऑफ इट, तो इसमें नेक्स्ट क्रूज जो नया वाला है दैट इज वे मोर सुपीरियर देन जैज, क्योंकि जैज में बेसिक ऑपरेशंस है जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्रूज है उसके हिसाब से वही सिमिलर ऑपरेशंस है, जहां पे आप स्पीड चेंज कर सकते हो, क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो, एंड ओवरटेकिंग पे रिज्यूम है कि आप फास्ट होके वापस आपका वो सेट वाले क्रूज कंट्रोल पे आ जाता है, एंड ब्रेकिंग पे ऑफ होता है। तो इसमें एक और जैज में वन एक्स्ट्रा फीचर कंपेयर टू द ओल्ड नेक्स्ट क्रूजर्स के आप उसका डायल रिवर्स घुमा के, समझो कोई स्लोप पे हो या ऐसा कुछ है तो डायल रिवर्स में घुमा के आप उसमें एक्स्ट्रा रीजन का भी आप फीचर है, एक्स्ट्रा रीजन भी हो जाता है उससे। सो ऑल दीज सिमिलर फीचर्स कम्पेयर टू द ओल्ड नेक्स्ट क्रूज, बट द न्यू नेक्स्ट क्रूज विच इज देयर इन द मार्केट जो हम बहुत ही जल्द आपके लिए ट्राई भी कर लेंगे, उसमें है जैसे आप लिम्प मोड जो है इको मोड फोर्स कर सकते हो, गाड़ी को लिम्प मोड में डाल सकते हो, आप रीजनरेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, और बहुत सारे इवन ब्रेकिंग के बाद में ऑटो रिज्यूम करना है वो फीचर भी उसमें है। तो देयर आर मेनी डिफरेंट फीचर्स एंड मेनी डिफरेंट एलईडी इंडिकेटर्स का उन्होंने एक डायल बना के रखा हुआ है जिससे आपका जो गाड़ी है गाड़ी में डिस्प्ले पे बहुत सारे इंडिकेशन आ जाते हैं, आप कौन से मोड पे हो, क्या है वगैरह, सब लेवल्स आपको दिख जाते हैं। सो दीज आर द न्यू फीचर्स ऑफ नेक्स्ट क्रूज विच इज नॉट देयर इन जैज।
कंपेयर टू द प्राइसिंग व्हिच वी विल टॉक अबाउट लेटर. बट ये हम एक चीज बोलना चाहेंगे, हमने एक्चुअली बाहर से सुना है, हमने नहीं टेस्ट किया, हमने टेस्ट नहीं किया है, हमने जो वीडियोस देखे हैं काजी के साथ में भी हमारा डिस्कशन हुआ इन चीजों के बारे में, तो ये सब चीजें हमको पता है ये है, लेकिन हमने खुद से टेस्ट नहीं किया, जो नेचुरली हम टेस्ट करेंगे आपको देखने. सो हमने सेकंड वाला नेक्स्ट क्रूज हमने ट्राई नहीं किया है, तो हम आपको ज्यादा कुछ बता नहीं सकते. हमने फर्स्ट वाला ट्राई किया तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं. राइट. एंड कमिंग टू द अदर फीचर व्हिच इज देयर इज द बाईपास, जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको बताया कि व्हिच इज जैज का बेस्ट हमको लगा कि उन्होंने सीधा पावर ऑन ऑफ का बटन दे दिया. पावर ऑन ऑफ, यस. तो अगर कहीं पे आपको कुछ डिफिकल्टी लग रही है, क्रूज कंट्रोल से कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आप सीधा उसको ऑफ कर सकते हो. वेयर एज नेक्स्ट क्रूज के जो अर्लियर एडिशन में हमारे पास जो है उसमें आपको बाईपास का एक उन्होंने एक अलग से वायर दिया गया, वायर वगैरह दिया है, कनेक्टर दिया है, जिससे आप आपको बेसिकली रीवायर करना पड़ेगा, क्रूज कंट्रोल को निकाल के वो रीवायर करके आपको चलाना पड़ेगा. सो दैट इज वन थिंग वेयर जैज इज जैज ने जो सोचा है डिजाइन में, दैट आई वी लाइक्ड पर्सनली. एंड उसमें ज्यादा मेहनत वाला काम है, नेचुरली वायर निकालो लगाओ नीचे से, यू सॉ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिमूव द वायर्स एंड ऑल, तो वो वाला एक सीन है. और अभी आते हैं मेन पॉइंट पे, प्राइस. प्राइस जो सबको जानना है. बहुत सारे जन बोल रहे थे कि नेक्स्ट क्रूज थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा है और जायज का प्राइस क्या है वो लोगों को पता नहीं है. ऑलराइट, सो सबसे पहले प्राइस पे आते हैं, नेक्स्ट क्रूज पे. तो हमने पुणे में चेक किया, पुणे में जो प्राइसिंग आ रहा है वो 30,000 के करीब आ रहा है, विद टैक्सेस एंड एवरीथिंग, विद शिपिंग, शिपिंग सब कुछ, शिपिंग कॉस्ट एंड एवरीथिंग. तो आपको 30,000 में पुणे के अंदर आपको मिल जाएगा. आप कौन से स्टेट में रहते हो, कौन से सिटी में रहते हो, उसके हिसाब से आई गेस वेरी हो सकता है शिपिंग कॉस्ट और ये सब, बट पुणे के अंदर 30,000 के करीब कुछ आ रहा है. जैज क्रूज कंट्रोल जो है वो आपको पड़ता है 17,800 विथ टैक्सेस. ऑल ओवर इंडिया आपको शिपिंग मिल जाता है. तो दोनों का कंपैरिजन, प्राइस कंपैरिजन ये है जो आपको जानना था. राइट. तो अगेन नेक्स्ट क्रूज एक्सपेंसिव है, बट जो उनके मोड्स और उन्होंने जो डाले हैं वो आपको आपके स्क्रीन पे भी हम अभी दिखा देंगे थोड़े, जो उनके एक्स्ट्रा मोड्स हैं, विच इज नॉट देयर इन जैज राइट नाउ, बट देन इट इज अप टू यू. हमने दोनों ट्राई किया है, दोनों का क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन, एंड कनेक्शंस वगैरह भी बहुत, दोनों के बहुत सिंपल है. एक आधी चीजें आगे पीछे हैं जो नेचुरली आपके ऊपर है, जैसे वायरलेस हमने बोला एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो आपके ऊपर है. एंड दी एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट दैट यू आर पेइंग कम्स विद एक्स्ट्रा फीचर्स. अगर आपको फीचर्स की जरूरत पड़ती है तो आप नेक्स्ट क्रूज के लिए जा सकते हैं. अगर आपको बेसिक वाला चाहिए तो बेसिक वाला आप जैसे ले सकते हो. तो सबका अलग अलग प्रेफरेंस है. आपको अगर नॉर्मल क्रूज कंट्रोल चाहिए, रिज्यूम चाहिए कि रिज्यूम होना चाहिए और ये सब होना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है, ज्यादा फीचर वाला भी ऑप्शन है. डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना पैसा स्पेंड करना है, क्या फीचर चाहिए, सब कुछ आप, अभी दोनों चीज आपके पास है तो आप डिसाइड कर सकते हो उसमें. ऑलराइट. जो मैं फीचर्स मेंशन कर रहा था तो उसका लिस्ट ऐसा है कि नेक्स्ट क्रूज में आपको बेसिक क्रूज कंट्रोल तो है ही है, क्रूज रिज्यूम भी है जो आपको दोनों में मिल जाता है, जैज और नेक्स्ट क्रूज में, एंड इवन एडजस्टमेंट ऑफ क्रूजिंग स्पीड. दीज फीचर्स आर एक्स्ट्रा गाइज, लाइक कोस्ट मोड इज देयर, एंड जिसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग आप ऑफ कर सकते हो. इको एंड डीप इको मोड्स, जिसमें आपको ज़्यादा रेंज मिलता है क्योंकि गाड़ी का जो लिम्प मोड है वो एक तरह से एक्टिवेट कर देता है, तो आपका एक्सेलरेशन वगैरह सब कंट्रोल में आ जाता है. देयर इज स्पीड गवर्नर, तो आप अपना मैक्सिमम एंड लो स्पीड्स वगैरह आप सेट कर सकते हो एंड एवरीथिंग, सो दैट कोई और गाड़ी चला रहा है तो वो उस स्पीड के ऊपर लेके नहीं जाए. एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज के ओवर द ईयर अपडेट्स आर देयर, तो आप कुछ भी नए फीचर्स आते हैं आप सिर्फ उसको ऑनलाइन अपडेट करके अपने क्रूज कंट्रोल में ऐड ऑन कर सकते हो. सो दीज आर सर्टेन रियली गुड फीचर्स जो नेक्स्ट क्रूज के अंदर है, बट जैज के अंदर वो है नहीं अभी के लिए. एज वी सेड इट्स अ बेसिक वन, द वन विच वी हैव द नेक्स्ट क्रूज, उसमें क्रूज कंट्रोल, क्रूज रिज्यूम और एडजस्टमेंट ऑफ क्रूजिंग स्पीड ही है, बाकी के फीचर्स उसमें है नहीं, वो नए वाले क्रूज कंट्रोल में है. एंड वेरी सून वील बी ट्राइंग द न्यू क्रूज कंट्रोल ऑल्सो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और एक चीज जो हमने नेक्स्ट क्रूज नहीं ट्राई की है, बट अभी टिगोर में हम क्रूज कंट्रोल ट्राई करेंगे, क्योंकि जायज का टिगोर के लिए भी अवेलेबल है, तो उसका वीडियो भी आपको कमिंग वीक में मिल जाएगा. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन शेयर दिस वीडियो और लोगों को बताओ. अच्छा, मेन चीज वी टोटली फॉरगॉट, वी हैव नो आइडिया अबाउट वारंटी गाइज. थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, वारंटी वॉइड होगा नहीं होगा, बहुत लोग अभी कमेंट में डालेंगे, हमको पता है, पहले भी डाल चुके हैं लोग. वारंटी वॉइड होता है नहीं होता है वो हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी है.
कल के वीडियो में पांच जी जो है फ्रॉम ज़ायस क्रूज कंट्रोल, उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर और क्लैरिटी दिया है फॉर ज़ायस, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. बट एज वी एज नॉइस फैक्ट्री वी हैव नो आइडिया अबाउट द वारंटी. वी आर यूजिंग इट फॉर यू गाइज एंड मेकिंग दीज वीडियोज. तो अगर आप खरीदने का सोच रहे हो और अगर आपको वारंटी का टेंशन है तो आप यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर ऑर्डरिंग दिस एंड make your decision accordingly. We literally have no idea warranty void होगा कि नहीं इसका. But ये चीज़ जो warranty का है वो ज़ायस का जो video है वो आपको संडे को दिख जाएगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत clarification मिल जाएगा. Yes. So ये सिर्फ एक cruise control के बारे में नहीं है, दोनों cruise control के बारे में है, तो आपको संडे के video में ही दिख जाएगा. So see you Sunday.